नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज MES में 41,822 पोस्ट लिखी हुई एक टेबल बनाई हुई है। एक लेटर इसमें सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जैसा कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा होगा। लेटर में आपको बता दूंगा, और खास तौर से ये जो लेटर है वो यूट्यूब पे वायरल हो रहा है। अलग अलग लोग यूट्यूबर्स वो इस पे वीडियो बना रहे हैं और बता रहे हैं कि MES में 41,822 वैकेंसी है वो आ रही है, लेकिन इस लेटर की वास्तविकता क्या है, इस लेटर की सच्चाई क्या है, उसके बारे में आज के इस वीडियो पर बात करने वाले हैं। पहले तो मैं इसके बार में वीडियो नहीं बना रहा था, वैसे ये मेरे पास में 2-3 दिन हो गए ये लेटर आए हुए, लेकिन उसके बाद में क्या है कि जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाए, तो जो भी बच्चे परमानेंट मेरे चैनल के साथ में जुड़े बच्चों ने कमेंट किए, मैसेज भेजे, सर MES में भर्ती आ गई, आप उसके बारे में कोई अपडेट दीजिए, आप तो वीडियो बना ही नहीं रहे हो। तो मैंने सोचा बच्चों को सही गाइड करना जरूरी है, इसलिए इस पर एक वीडियो बना ही देते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर आपको एक लेटर दिखाई दे रहा होगा, 17 जुलाई 2023 का ये लेटर है। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज कश्मीर उस न्यू दिल्ली की तरफ से लेटर जारी किया गया। अलग अलग जितनी भी कमांड है उन सब कमांड को आपका ये जो कश्मीर हाउस है वो ENC है, उनकी तरफ से लेटर भेजा गया। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे लेटर दिखाई दे रहा है, ये लेटर है। ठीक है, ये लेटर है। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे एक वैकेंसी की टेबल बताई हुई है, जिसमें 41,822 टोटल यहाँ पे नंबर दिखाया गया है, और उसके बाद में अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी बताई गई है। ज़्यादातर जो यूट्यूबर्स है वो क्या कर रहे हैं, इसको वैकेंसी बता रहे हैं, और MES में वैकेंसी बहुत जल्दी आ रही है, इन पोस्टों पर वैकेंसी आ रही है, जिसकी वजह से बच्चे हैं वो भ्रमित हो रहे हैं। तो इसके अंदर वास्तव में क्या लिखा हुआ है, आपके लिए इसके अंदर क्या है, वो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, इसलिए दोस्तों वास्तव में ये चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ये जो लेटर है यहां पे आप हेडिंग देखो इसकी, फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज रिगार्डिंग, यानी कि वैकेंसी को भरने को लेकर के ये लेटर जारी किया गया है। लेकिन इसके साथ ही अपने को ये भी जानकारी इसमें मिलती है कि कौन कौन सी वैकेंसी ऐसी है जिनको डिपार्टमेंट बोल रहा है कि उन वैकेंसियों को भरना नहीं है। अब भरना नहीं है उसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं बता रहे, खासतौर से ज्यादातर लोग यही बता रहे कि इतनी वैकेंसी आ रही है, लेकिन ये वैकेंसी भरने को लेटर है, लेकिन किस प्रकार से क्या चीजें इन्होंने दी है वो चीजें मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। यहां पे इन्होंने दो लेटर का रेफरेंस दिया, एक 22 जुलाई 2022 का है और दूसरा जो लेटर है 15 जुलाई 2022 का है, जो कि MOD, यानी कि MOD का मतलब है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। ठीक है, तो ये दो लेटर का यहां पे रेफरेंस दिया गया। उसके बाद में कॉपी टू यहां पे इन्होंने ये भी लिखा कि MES की वेबसाइट पर भी ये लेटर हम अपलोड कर रहे हैं, तो शायद MES की वेबसाइट पर भी आपको ये लेटर मिल जाएगा। अभी मैंने वेबसाइट चेक की तो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी। अब देखिए पहला जो इन्होंने बता रखा 22 जुलाई 2022 का ENC की तरफ से लेटर जारी हुआ, उसका यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है, और उसके बाद में इसमें MOD का जो लेटर है उसको एक बार फिर से इन्होंने यहाँ पे रिपीट किया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे नीचे देखोगे जो चीजें खास तौर से यूट्यूबर्स बता रहे हैं, डेटेड 15 जुलाई 2022 का ये लेटर है। ठीक है, अब इसके अंदर वास्तव में क्या है कि ये लेटर जो है इसी ये बता रहा है कि जो वैकेंसी इस प्रकार के जिनको भरना नहीं है उन वैकेंसी को छोड़ करके दूसरी जो वैकेंसी है उनको जल्दी से जल्दी भरना है। अब आगे आ जाइए, ये जो पैरा नंबर 2 है इसमें आप देखोगे इट हैज बीन डिसाइडेड दैट एक्शन फॉर फिलिंग अप ऑल वैकेंसीज एज ऑन डेट मे बी इनिशिएटेड एज पर द एक्सटेंट इंस्ट्रक्शन ऑन रिक्रूटमेंट और फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन इमीडिएट बेसिस, यानी कि भारत सरकार का निर्देश है कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी को भरना है। आगे इन्होंने जो मेन चीज लिखी है एक्सेप्ट द फॉलोइंग वैकेंसी टिल फर्दर इंस्ट्रक्शन देयर ऑन, यानी कि एक्सेप्ट का मतलब है कि ये जो नीचे दी गई वैकेंसी है इन वैकेंसी को छोड़ करके अदर जितनी भी वैकेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है कि उनको जल्दी से जल्दी भरना है। अब कौन कौन सी वैकेंसी को छोड़ना है, जो यूट्यूबर आपको बता रहे ना 41,822 वैकेंसी है उन वैकेंसी को छोड़ना है, उनको भरना नहीं है, ये इनका निर्देश है। देखिए आर्किटेक्ट की 44 वैकेंसी, बैरक एंड स्टोर की ऑफिसर की वैकेंसी है, और उसके बाद सुपरवाइजर बैरक एंड स्टोर की वैकेंसी है, ड्राफ्टमैन की वैकेंसी है, स्टोर कीपर की वैकेंसी है, MTS की वैकेंसी और MAT की वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD का ऑर्डर है कि जब तक हम नया ऑर्डर जारी नहीं करते तब तक इन वैकेंसी को भरना नहीं है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं बैरक एंड सुपरवाइजर की ये जो वैकेंसी है, बैरक एंड स्टोर सुपरवाइजर की जो वैकेंसी है भर्ती लगभग कंप्लीट हो गई थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गए थे, उसके बाद में MOD का लेटर आया जिसकी
जिसकी वजह से इस वैकेंसी को इन्होंने लटका के रखा, फाइनल रिजल्ट नहीं जारी किया, ज्वाइनिंग नहीं दी है। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे वैकेंसीज मेंशन इन द टेबल 8 पैरा 2 अब और एनी वैकेंसीज अराइजिंग हियर आफ्टर ड्यू टू रिटायरमेंट डेथ अदरवाइज इन दीज कैडर पोस्ट शैल नॉट बी फिल्ड टिल फर्दर ऑर्डर। यानी कि ये जो टेबल नंबर 2 के अंदर जो वैकेंसी दिखाई गई, इनमें से कोई भी पोस्ट है, कोई भी डेथ होने के कारण या फिर रिटायरमेंट होने के कारण और जो पोस्टें खाली होती है इनमें से कोई भी वैकेंसी, तो उनको जब तक नया ऑर्डर जारी नहीं होता है तब तक इन वैकेंसियों को भरना नहीं है, एमओडी का ये ऑर्डर है। उसके बाद में आगे इन्होंने लिखा है कि बाकी जो भी वैकेंसी है उन पे एक्शन आपको विद इन 1 वीक लेना है, जल्दी से जल्दी इन वैकेंसियों को भरना है। कौन सी वैकेंसी इस प्रकार की, इनके अलावा बहुत सारी वैकेंसी है, जैसे कि आपकी जेई की वैकेंसी हो गई, उसके बाद में पीओन की वैकेंसी है, चौकीदार की वैकेंसी है, ड्राइवर की वैकेंसी है, यूपीएससी के जरिए ऑफिसर वगैरह आते हैं, वो सब वैकेंसी उनको जल्दी से जल्दी भरना है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे लिखा है एसएससी है, यूपीएससी है, जो भी वैकेंसी है डिपार्ट करवाते हैं उनको जल्दी से जल्दी भेजना है। ठीक है, इन्होंने आगे इन्होंने विभाग को फॉर्मेट बना के भेजा भी, एसएससी से भर्ती होने वाली खाली वैकेंसी है, यूपीएससी से जो भर्ती होती है वो खाली वैकेंसी है, टोटल है ना कितनी वैकेंसी है, उन सबको आपको इस टेबल के अंदर मेंशन करके जो भी डिपार्टमेंट है ऊपर उनको भेज देना है और इन पोस्टों में जल्दी से जल्दी भर्ती होने वाली है। ठीक है, यानी कि खास तौर से मैं आपको यही चीज बता दूं कि इस टेबल के अंदर जो वैकेंसी इन्होंने बता रखी है, जो पोस्टें बता रखी है, 41,822 वैकेंसी तो ये होगी, उसके बाद में डेथ होने की वजह से, रिटायरमेंट होने की वजह से और भी जो वैकेंसी इन पोस्टों की खाली होगी उनको जब तक एमओडी का नया निर्देश नहीं आएगा, ठीक है, तब तक इन वैकेंसी को नया नहीं भरा जाएगा। जैसे एमओडी नया एक निर्देश जारी करेगा भी हमने जो पहले रोक लगा रखी थी इस लेटर नंबर के तहत उसको हम वापिस लेते हैं, अब इन पोस्टों पर भर्ती करवाने की जरूरत है, इन पोस्टों पर अब भर्ती करनी है और उसके बाद में ही नहीं भर्ती आएगी, जब भी भर्ती आएगी बड़ी मात्रा में भर्ती आएगी, क्योंकि काफी टाइम से इस पर रोक लगी हुई है। जैसे कि अपन देख पा रहे हैं इन्होंने आपका 2022 से रोक लगा रखी है, तो जब भी भर्ती आएगी एमईएस के अंदर नीचे जो पोस्टें दिखा रखी है उन पे बड़ी मात्रा में भर्ती आएगी, लेकिन इस लेटर का मतलब यह है कि ये जो वैकेंसी दिखा रखी है इन वैकेंसियों को अभी नहीं भरना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सारा मामला है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, आपके जो भी जरूरतमंद दोस्त है उनके साथ में इसको शेयर जरूर करना ताकि उनको एमईएस भर्ती की वास्तविकता के बारे में पता चल सके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।